हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी के लिए हमारा बर्थडे बहुत ही खास रहता है। जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमारा मन, हमारा दिल खुशियों से भरा रहता है। उस दिन हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले सभी हमें वेल विशेज़ देते हैं। ये वेल विशेज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उतने ही ज़्यादा ज़रूरी कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको अपने जन्मदिन पर नहीं करने चाहिए। जन्मदिन पर अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको अपने जन्मदिन पर नहीं करने चाहिए, ऐसे कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है, जन्मदिन पर आप भूल कर भी कभी अपने बाल और नाखून ना काटें। ये उम्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। आप चाहें तो एक दिन पहले या एक दिन बाद अपने बाल और नाखून काट सकते हैं, लेकिन उस दिन ना काटें। अक्सर लोग पार्टी के जश्न में नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन आपको नहीं खाना चाहिए। कम से कम एक दिन तो आप जीव हत्या ना करें। अगर आप जीव हत्या करते हैं तो इससे आपको पाप मिलता है, आपको श्राप मिलता है, आप बहुत सारी बीमारियों की ग्रस्त में भी आ जाते हैं। आपके घर पे कोई साधु या भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, उन्हें दान दें, भोजन कराएं। ऐसा करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यदि भिखारी आपको कहीं बाहर मिल जाता है, घर से आप जाते हैं तो रास्ते में आपको कहीं मिल जाता है, तो उस समय भी आप उसे कुछ ना कुछ दान में अवश्य दें। पार्टी के जोश में आकर आप कभी भी शराब का सेवन ना करें। अगर आप जन्मदिन के दिन शराब पीते हैं तो शनि देव आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वो आपको श्राप दे देते हैं। जो लोग शराब का सेवन नहीं करते, वो शनि के 7.5 साथी के प्रभाव में भी इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते, उन्हें ज़्यादा चिंताएं नहीं घेरती। तो आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सभी से प्यार से बात करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी आप प्यार से बात करें। बेकार की बहस करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन लड़ाई झगड़ा करेंगे या वाद विवाद करेंगे तो पूरा साल आपका वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में ही बीत जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो इसके आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जन्मदिन के दिन आपको अपने सभी बड़े बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आपको जरूर करने चाहिए अपने जन्मदिन के दिन। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाय। अगर आपका जन्मदिन सोमवार को आ रहा है तो उस दिन लक्ष्मी मंदिर में खीर चढ़ाकर गरीब कन्याओं में बांटनी चाहिए। मंगलवार को जन्मदिन आया है तो लक्ष्मी मंदिर में लाल साड़ी चढ़ाकर ब्राह्मण की शादीशुदा पत्नी को दान में देनी चाहिए। बुधवार को जन्मदिन है तो लक्ष्मी मंदिर में हरी कांच की चूड़ियां चढ़ानी चाहिए, साथ ही वो चूड़ियां कन्याओं में भी बांटनी चाहिए। गुरुवार के दिन जन्मदिन आए तो लक्ष्मी मंदिर में सौंफ चढ़ाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन जन्मदिन आया है तो लक्ष्मी मंदिर में इत्र चढ़ाकर ब्राह्मण कन्या को दें, ब्राह्मण कन्या नहीं तो मंदिर में ही रख दें। शनिवार के दिन जन्मदिन आए तो लक्ष्मी मंदिर में श्री फल चढ़ाकर मजदूरों को बांटें। रविवार के दिन जन्मदिन आए तो लक्ष्मी मंदिर में गेहूं गुड़ चढ़ाकर गरीबों में बांटना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको जन्मदिन पर नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो आपको जन्मदिन पर अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।